बंडरू प्रखंड विकास कार्यालय परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक धरना 5 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडे की अध्यक्षता में बंडरू प्रखंड विकास कार्यालय परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। धरना के माध्यम से क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर झारखंड सरकार की बहरी गुंगी सरकार और उनके पदाधिकारी के कान तक अपनी आवाज पहुंचाने को लेकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य कार्तिक मालतो, जिला कार्यकारिणी सदस्य राम प्रवेश यादव, मणिकांत मिश्रा, गोविंद पासवान, रंजीत उपाध्याय, राजेश राय, गणेश मिश्रा, राम प्रवेश, सुधीर कुमार, सौरभ कुमार, वीरू राय, दिनेश और कई लोग मौजूद रहे। आबो आवास योजना चयन में की गई गड़बड़ी की जांच की जाए, JSSC पेपर लीक मामले में CBI जांच कराए, युवाओं को रोजगार, मनरेगा योजना द्वारा किए गए सभी कामों की उच्च स्तरीय जांच की जाए, मनरेगा योजना में गड़बड़ी किए सभी कर्मचारी पदाधिकारी की संपत्ति की जांच हो, SPT एक्ट की पूर्ण रक्षा की जाए, छात्र और छात्राओं को समय पर जाति निवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, ग्राम प्रधानों की शक्तियों की रक्षा की जाए, डाकिया योजना द्वारा जनवितरण प्रणाली में की गई धांधली की भी जांच कराई। आज का धरना जो है किस उपलक्ष में रखा गया है, किस विषय को लेकर के आज की धरना है? आज मडरो प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना पार्टी आज देने का काम कर रही है। इसमें जो आज ज्वलंत जो विषय है अबुआ आवास का, जिसमें चयन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है। जो मापदंड होना चाहिए, जिनको यह आवास मिलना चाहिए, उन तक यह सुविधा नहीं पहुंच रही है और यह सरकार का यह मंशा है कि किसी न किसी तरह इसको अटका दिया जाए और जनता को सिर्फ भ्रम में रखकर अबुआ आवास यह बिल्कुल ही सिर्फ बबुआ लोगों के लिए ऐसा जो प्रचलित हो रहा है, यह अबुआ आवास बबुआ लोगों के लिए ही घोषणा है और इसमें आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। जिसका चयन में जो गड़बड़ी हुआ उसको लेकर हम लोग आज बैठे हुए हैं और मांग करते हैं सरकार से, प्रखंड पदाधिकारियों से, जिला के पदाधिकारियों से और सरकार से कि इस योजना का अगर आपका नियत अच्छा है तो सही लोगों तक यह योजना पहुंचे। झारखंड की गठबंधन की जो सरकार है जी, चंपई सोरेन जो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं जी, किस नजरिए से आपकी पार्टी देख रहे हैं और आपके क्या इस पर जो है कहना है अभी के जो कार्यकाल जो चल रही है चंपई सोरेन की? देखिए माननीय चंपई सोरेन जी एक सरल स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन उनका इस सरकार में कुछ चलना उलना नहीं है। सरकार में सिर्फ बोतल बदल गया है ना, रेपर वही है, उन्हीं के इशारे पे सारा चल रहा है और यही योजना उनकी चल रही है। कुछ बदलाव इनके आने से भी नहीं दिखता है। जो आशा जिस विश्वास के साथ इस राज्य में युवा मुख्यमंत्री के लोगों ने चुना था, वे सारा किसी भी वादा पर वो खड़े नहीं हैं और सिर्फ ठगने का काम यहाँ के जनता से उन्होंने किया। जैसे आपने बताया कि अबुआ आवास में भ्रष्टाचार की जो है प्रतीक होती है, इसी तरह जो है कि साहेबगंज जिला का मंडरो प्रखंड में जो है एक चीज का जो है आए दिन जो है अखबार में छपती है, चैनलों में चलती है कि यहाँ का जो राशन का जो है विषय बहुत गंभीर है, जो कि हमारे चैनल में भी मैंने भी इसको कई बार चलाया है, लेकिन यहाँ की पदाधिकारी को भी इस विषय पर कोई मतलब ही नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई हो। नहीं, इस विषय को हम लोग आज धरना के माध्यम से रखे हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जन वितरण प्रणाली जो आदिवासी समाज के लिए, पहड़िया समाज के लिए जो डाकिया योजना जो सरकार ने चलाई थी कि उनके घर तक उनको उनकी जो अनाज उनको मिलता है उनको सुलभ किया जा सके आसानी से, लेकिन उसमें जो उनके लिए चीनी, दाल, चावल उनको मिलना चाहिए, उसमें घोर अनियमितता है और इसकी जांच का मांग भी हम लोग करते हैं और इसको लेकर हम लोग जिला के उपायुक्त से मिलेंगे और हमें विश्वास है कि जो उपायुक्त हैं हमारी मांगों पर ध्यान रखेंगे और उसकी जांच कराएंगे। साहेबगंज जिला की मंडरो प्रखंड में जो एक सिस्टम हमने देखा, जो कि आज तक हमने कभी इस उम्र में हम अपने उम्र में नहीं देखा है, कि राशन दुकान नाम है किसी और का और उसको संचालित कर रहा है कोई और, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो घोर अनियमितता का विषय है और इसमें
जो जिला के प्रशासन है उनको ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह का बहुत सारा समय बहुत सारा जो इस तरह का लाभुकों द्वारा जो कम शिकायत पार्टी को मिला है उस पर भी हम लोग आज लिखित रूप से जांच का मांग करेंगे कि ये जो गलत रूप से किसी के नाम पर कोई अगर वितरण कर रहा है तो बिल्कुल ही गलत है और यह बिचौलिया जैसा दिख रहा है, इसमें बिचौलिया सबसे ज़्यादा हावी है। तो इस धरना के माध्यम से जो है यहाँ क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों के क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग संगठन का एक्चुअली आशू का जन्म ही आंदोलन से हुआ है और जनता को आशू पर विश्वास है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो पर विश्वास है और जो भी उनकी जी समस्या होगी उसको मुखर रूप से लेकर हमारे पार्टी के प्रखंड के पदाधिकारी जो आम कार्यकर्ता है वो मुखर होकर उनका समस्या को लेकर यहाँ लड़ने का काम करेंगे और जनता का काफ़ी विश्वास है आशू पार्टी पर और जानती है यहाँ की जनता आशु पार्टी एक ईमानदार संगठन है और हमारे आवाजों को मुखर रूप से उठाने का काम करती है।